आज हम बात करने वाले हैं अपने पृथ्वी के बारे में, हमारे पृथ्वी के केंद्र के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि हमारे पृथ्वी का आकार कुछ इस प्रकार है, यानी कि अंडाकार। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम पृथ्वी के इस सतह के छोर से दूसरे सतह के छोर तक पृथ्वी के अंदर होल करके पहुँच सकते हैं या नहीं? यदि पहुंच सकते हैं तो आज तक किसी ने ऐसा क्यों नहीं किया, और अगर नहीं पहुंच सकते तो इसके पीछे के कारण क्या है? आइए इसके बारे में हम और चर्चा करते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को क्रस्ट कहा जाता है, और इसके आगे की सतह को मेंटल, और अंत के सतह यानी कि पृथ्वी के केंद्र भाग को कोर कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि लगभग सूर्य के सतह के तापमान के बराबर होता है, और पृथ्वी के केंद्र भाग का ताप 365 गीगापास्कल होता है। यदि किसी को पृथ्वी के इस सतह से दूसरी सतह के छोर तक पृथ्वी के अंदर होल करके पहुंचना है तो उसे ऐसे यंत्र की आवश्यकता होगी जो कि ऐसे तत्वों से बना हो जो 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान और 365 गीगापास्कल से अधिक के दाब को झेल सके। लेकिन वास्तव में आज तक ऐसे तत्व की खोज नहीं की गई जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सके। अभी तक खोज की गई तत्व जो अधिकतम तापमान को झेल सके का नाम टंगस्टन है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस है, जो कि पृथ्वी के केंद्र के तापमान के लगभग आधी है। इन सब बातों से तो यही पता चलता है कि वर्तमान में हम पृथ्वी के अंदर होल करके इस सतह से पृथ्वी के दूसरे सतह तक नहीं पहुँच सकते। शायद भविष्य में ऐसे तत्व की खोज हो जाए जो पृथ्वी के केंद्र भाग से अधिक के तापमान को झेल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके शेयर करें, और मेरे चैनल यंत्र विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।